राजेश खन्ना ने अपने समय में वह लोकप्रियता हासिल की थी जिसका अनुभव फिल्म इंडस्ट्री के किसी एक्टर को नहीं मिला था उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे हीरो के रूप में पेश नहीं किया था जो एक दर्जन लोगों को आसानी से हरा देता था उन्होंने कभी भी दवाओं में झुकना नहीं सीखा था अगर उन्हें कोई रोल पसंद आता तो वह उन्हें खुलकर जीते थे और अगर रोल पसंद नहीं आता तो फिर छोड़ने में तनिक भी परहेज नहीं करते थे ऐसे ही एक फिल्म चाहते हुए भी न कर पाने का पछतावा उन्हें जीवन भर रहा कौन सी थी यह फिल्म और क्या था पूरा किस्सा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी फिल्मों से जुड़े कलाकारों के सुने अनसुने किस्से कहानियाँ लेकर आते रहते हैं अगर मेरी तरह आप भी हिंदी फिल्में पसंद करते हैं और बीते जमाने के चमकते सितारों को आज भी याद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को एक्टिवेट रखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अन्नू कपूर का एक शो आता है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर और उस शो में अन्नू कपूर ने बताया कि मशहूर निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत उन दिनों एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे उस फिल्म का नाम था अमानुष जिसका निर्माण बंगला और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होना था उस समय अभिनेता उत्तम कुमार का नाम बहुत ही मशहूर था इसलिए फिल्म के बांग्ला वर्जन के लिए शक्ति सामंत जी ने पहले ही उत्तम कुमार जी को साइन कर लिया था अब उन्हें फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए मुख्य अभिनेता की तलाश थी किसी तरह इस फिल्म की जानकारी राजेश खन्ना को लगी राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत से संपर्क किया और कहानी सुनते ही उन्होंने निर्देशक से कह दिया कि यह फिल्म मैं करूंगा। अब अमानुष फिल्म को अपने हिंदी वर्जन के लिए अपना हीरो राजेश खन्ना के रूप में मिल चुका था शक्ति सामंत इस फिल्म को जल्दी से जल्दी बनाना चाहते थे उन्होंने राजेश खन्ना के सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया सेक्रेटरी से ने उन्हें बताया कि आने वाले कई दिनों तक राजेश खन्ना जी के पास फिल्म शूटिंग के लिए तारीखें नहीं हैं यह सुनकर शक्ति सामंत जी बहुत परेशान हो गए वह कई दिनों तक यह सोचते रहे कि क्या करें क्या न करें उन्हें हर हाल में फिल्म को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करना था बहुत सोच विचार कर वह फिर राजेश खन्ना से मिले और कहा कि राजेश जी मैं यह फिल्म आपके साथ नहीं कर पाऊंगा राजेश खन्ना ने पहले ही फिल्म की कहानी पढ़ रखी थी और उन्हें यह रोल बहुत पसंद था उन्हें यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा पर कुछ किया नहीं जा सकता था बाद में शक्ति सामंत जी ने फिल्म अमानुष के बंगाली वर्जन के हीरो उत्तम कुमार को लेकर के फिल्म के हिंदी वर्जन को भी पूरा किया। दिल ऐसा किसी ने मेरा थोड़ा, की तरफ ऐसा जैसा कि आप सभी जानते हैं फिल्म अमानुष उस साल की एक बिग हिट फिल्म साबित हुई फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय रहे जो आज भी लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं अन्नू कपूर जी ने अपने शो में बताया कि राजेश खन्ना को शक्ति सामंत जी की यह फिल्म न कर पाने का मलाल पूरे जीवन भर रहा दोस्तों यह था फिल्म अमानुष और राजेश खन्ना के बीच का एक रोचक किस्सा आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसे ही बॉलीवुड के जुड़ी सुनी अनसुनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आपसे मुलाकात होती रहेगी जाने से पहले एक अनुरोध और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें